गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम का प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। जिनका एग्जाम हो चुका है उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, ऐसा मैं होप करता हूँ। और जिनका एग्जाम होने का है, ठीक है, वो भी अच्छे से अभी पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज हम करने वाले हैं RRB NTPC, जिसका एग्जाम अभी चल रहा है। इसमें जो फर्स्ट पैप का हुआ था, ठीक है, थोड़ा लेट हम लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम इसमें पूरा डिटेल से इसको एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, किस में क्या कंफ्यूजिंग हो सकता है, सबको हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है, कुछ अगर कंफ्यूजन है आपको इसके बाद, अगर लगता है कुछ क्वेश्चन आपका मिसिंग है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो वो आप इंस्टेंटली पूछिएगा। ठीक है, अगर आपका और कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछिएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं हम देखेंगे उसमें हम टिप्स ट्रिक्स क्या क्या यूज कर सकते हैं। थर्ड फेज चालू हो गया है, पैटर्न में थोड़ा बहुत ही चेंज है। ठीक है, लेवल हल्का सा टफ हुआ है। ठीक है, लेवल में हल्का सा टफ हुआ है, बाकी एकदम टफ लेवल का नहीं है। इसको अगर मैं बोलूं तो मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, जितने नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये मॉडरेट ही लग रहा है। देखिए, आज हम फर्स्ट पेपर का करेंगे, रीजनिंग का पूरा पेपर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में, मेरा नाम शैलेंद्र साहू है, मैं गेट क्वालिफाइड एम टेक क्वालिफाइड हूँ, 6+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझको, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को, चाहे वो गेट के हों, ठीक है, बैंकिंग के हों, SSC के हों, रेलवे के हों या फिर क्लैट के हों, मेरा जो सब्जेक्ट है वो इन सब में कॉमन होता है। ठीक है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। और जो पहली बार हैं उनको मैं अनअकैडमी के बारे में भी एक बार बता दूं, बहुत सारी कंटेंट, बहुत सारा मटेरियल आपको अनअकैडमी में और यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन अगर आप और अच्छे से पढ़ाई करना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं अपना प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है, आपके जो भी फेवरेट टीचर्स हैं जिनको आप पसंद कर रहे हैं, इसमें आप देखना चाह रहे हैं, आप सबका लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, गोल के अकॉर्डिंग, ठीक है, GOL, गोल के अकॉर्डिंग आप क्रैश कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या गोल, क्या मतलब, जैसे आप गेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप गेट का पूरा क्रैश कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग का कर सकते हैं, SSC का तैयारी कर रहे हैं SSC का पूरा एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और पूरा ऐसा पढ़ने के साथ साथ आप वीकली टेस्ट देके एनालाइज भी कर सकते हैं, आप इंस्टेंटली डाउट भी पूछ सकते हैं, लाइव रहेंगे सामने ही जस्ट पूछ सकते हैं, कुछ हुआ तुरंत डाउट पूछ लिए। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, तभी आपका एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ेगा, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, बाइलिंगुअल आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये तो हुआ सब बेनिफिट प्लस का। और अगर आप चाहते हैं कि चीजें थोड़ी और पर्सनलाइज हो जाएं, तो प्लस के पूरे बेनिफिट्स को इंक्लूड करते हुए कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ आता है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, देखिए प्लस में जितने हैं उतने तो हैं ही, साथ ही साथ पर्सनल कोच आपको मिलेंगे, स्टडी प्लानर मिलेंगे। ठीक है, स्टडी बूस्टर सेशन आपका होगा, साथ ही साथ पर्सनलाइज टेस्ट का एनालिसिस होगा, डेडिकेटेड डॉट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलते जाएंगे। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊँ गेट का, अगर आप गेट ESE का पैकेज लेते हैं तो यहाँ आपको स्क्रीन पे जो फैकल्टीज दिख रहे हैं ये सभी वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज, बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो खुद में वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, इनका आपको मटेरियल, टीचिंग और बाकी स्ट्रेटजी सब आपका रैंक बूस्ट करने में बहुत काम आएगा। ठीक है, देखिए, और अगर मैं बात करूँ प्लान्स का, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, इस तरीके से, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, जैसे आप सेकेंड ईयर में हैं, आप फोर्थ ईयर के पहले तो एग्जाम दे नहीं सकते, ठीक है, गेट का बात कर रहा हूँ, तो आपके पास इस तरीके से अगर टाइम ज्यादा है आप बढ़िया 24 मंथ का लीजिए, आराम से पूरा पढ़ते चलिए, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करते चलिए। ज्यादा मंथ का ले रहे हैं तो हमको पर मंथ का कॉस्ट भी कम पड़ जा रहा है। ठीक है, और इसमें भी हम कोड यूज करेंगे SSAO, ठीक है, SAO10, तो इसमें हमको और जो मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है वहीं पे आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है, इसके भी प्राइस में हल्का सा वेरिएशन है, 12 मंथ का ले सकते हैं, 24 मंथ का ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, चीजें थोड़ी पर्सनलाइज हो गई हैं, और इसमें भी आपको कोड यूज करना है SSAO10, ठीक है, SSAO10। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी ऐप पे कहीं भी आपको फ्री कोर्स भी एक्सेस करने के लिए अगर कोड पूछ रहे हैं, आप यही यूज कर सकते हैं SSAO10। ठीक है, ये यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा। देखिए, हम लोग का एक दो दो हमारा पैरेलल कोर्स चल रहा है, एक क्या हो रहा है कि एक ही टॉपिक को हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, जैसे हम साथ ही साथ
250 कंप्लीट कर चुके हैं, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड का जितना टोटल 5 पार्ट में हम पूरा बेसिक से लेके हर टाइप इंक्लूड करते हुए क्यूब एंड क्यूबॉइड का काउंटिंग मेथड तक से कंप्लीट कर चुके हैं। अनअकैडमी में हम इसके और कुछ स्पेशल क्लास करेंगे, साथ ही साथ हम वहां पे क्विजेस भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्विजेस सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए हमको टाइम लिमिट मिलेगा, साथ ही साथ और जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपसे फास्ट है आपसे स्लो है विद इन द टाइम लिमिट। ठीक है, विद इन द टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विद इन द टाइम लिमिट आप करेक्ट भी आंसर दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है, और स्पीड में आंसर भी दे रहे हैं कि नहीं, ये दोनों आपको चेक करना है। क्वेश्चन बाई क्वेश्चन वहां पे आपका रैंक भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी में मुझे फॉलो कीजिएगा, ये लिंक है, लिंक आपको इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको बस वहां पे क्लिक करना है या अनअकैडमी में आपको सर्च करना है SHAILENDRA शैलेंद्र साव। ठीक है, ये है, और आप हमारे ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है इसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, क्यों, अभी तक हम जितना पढ़ चुके हैं जितना पढ़ रहे हैं सबका PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगी वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा, और कुछ और स्टडी मटेरियल भी हमको शेयर करना हुआ। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, स्टडी मटेरियल जितना पढ़ रहे हैं जितना पढ़ा रहे हैं उसके अलावा स्टडी मटेरियल भी शेयर करना होगा, तो सबको हम इसके थ्रू शेयर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यूट्यूब चैनल्स का बात करूँ तो ये कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए हैं डेडिकेटेड। इसमें आप जैसे देखेंगे आपके अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल जंक्शन। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं कुछ जो सब में कॉमन है, जैसे हमारा FTSS, ये गेट के सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, उसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम में तो ये आपका रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसको तो आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, किसको, अपना FTSS को। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आप साथ ही साथ बनाते चलिएगा, कुछ क्वेश्चन जिसमें सोचने जैसा होगा उसमें मैं आपको टाइमर भी दूंगा, और जो क्वेश्चन एकदम इजी होगा उसको हम डायरेक्ट पिक कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चन लगे कि मिसिंग है, कुछ क्वेश्चन आया है या आया नहीं है, फिर भी आपको कुछ में अगर डाउट लगता है, ठीक है, कुछ में अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए मुझे जितने सोर्सेस से मिले हैं मैं क्वेश्चन यहाँ अटैच किया हूँ, कुछ और आपका क्वेश्चन याद आएगा तो जरूर बताइएगा। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, अभी तक हम जितना पैटर्न कर रहे थे उससे हल्का सा अलग है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मुझे बताइए 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, आपको दोनों चीज आपका ध्यान देना है, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी। ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों। क्या हो गया है, बनाते चलिए आप ना, मैं अलग से लिख रहा हूँ, 5, 18, 39 हो गया, 68 हो गया, 105 हो गया। ठीक है, क्या है, क्या अप्रोच लगाते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा ये स्पेशल सा सीरीज है, इसमें अगर आप डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ (3+3), ठीक है, इसको मैं करता हूँ (2+3), लेकिन इसके आगे आके ये नंबर आपका चेंज हो जा रहा है। ठीक है, 39 को वैसे ही आप 2 करेंगे तो इससे तो ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये (2) करने से ज्यादा हो जा रहा है, तो आपका सीरीज कुछ इस तरीके से तो नहीं चल रहा है, (3+2)(2+3), इस तरीके से सीरीज नहीं चल रहा है, ये थोड़ा सा स्पेशल सा सीरीज है। इसमें देखिए क्या किया गया है, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, आप लोग बताइएगा आपका आंसर सही हुआ कि नहीं। देखिए क्या है, 5, 18, 39, 68, 5 को अगर मैं देखता हूँ तो ये है 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली 18 भी किसी के स्क्वायर के आसपास है क्या, ठीक है, 18 किसके स्क्वायर के आसपास है, 16 के, 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर, और कितना है उससे 2 ज्यादा। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 18 हो गया। सिमिलरली 39 किसके स्क्वायर के पास में है, 6 के, 6 का स्क्वायर और प्लस 3 हो गया 39। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आपको पैटर्न दिख रहा होगा, इवन नंबर्स का स्क्वायर करते जा रहे हैं, और +1 +2 +3 +4 आगे भी चेक करना है, हम आगे भी चेक कर सकते हैं। 6 के बाद अगला इवन नंबर होता है 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 4 68। अगला 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 5 105। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आना चाहिए, 12 का स्क्वायर और ऐड कितना करेंगे 6, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा आपका 150। ठीक है, देखिए इनका भी 150 आया है, बहुत सही है। अगर यही क्वेश्चन आपके में आता, अगर अभी आप एग्जाम नहीं दिए हैं,
आपके में आता तो इसको आपको जल्दी से जल्दी, ठीक है, मैक्सिमम 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना ही पड़ता है। ओके चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए 12 हो गया है आपका 16, 16 हो गया है आपका 11, ठीक है 11 हो गया आपका 15। चलिए इसको आप एक बार सॉल्व कीजिए, तो इसके लिए भी आप 30 सेकेंड का टाइम ले लीजिए, ठीक है 30 सेकेंड्स के अंदर आप मेरे को बताइए करेक्ट आंसर इनमें से क्या होगा। 7, 8, 9, 10, ठीक है ऑप्शन भी सभी पास पास हैं। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या होगा विद इन द टाइम। 12, 16, 11, 15, 10, 14, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अलग सा सीरीज है, जितना हम नॉर्मली सीरीज करते थे क्या होता था, या तो नंबर छोटे से बड़ा होता जाता था, बड़े से छोटा होता जाता था। यहाँ हमको सीरीज कैसे दिख रहा है, 12 के बाद 16, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके का आपका पैटर्न चल रहा है, ठीक है ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से समझ में आएगा। दो तरीके का पैटर्न चल रहा है, कैसे 12 से आप गए 16 मतलब +4, 16 से हो गया 11 मतलब -5, फिर 11 से हो गया 15 हो गया +4, 15 से हो गया 10 मतलब -5, 10 से फिर हो गया 14 मतलब +4। तो अगले में मैं क्या करता, -5, ठीक है किस में -5, 14 में से -5 मेरा आंसर आ जाता 9, ठीक है देखिए किनका किनका 9 आया है। ओके अगला दूसरा कुछ पैटर्न मेरे को दिख रहा है क्या, देखिए 12, 16, 12 से बड़ा हो गया 16, फिर इससे छोटा नंबर 11, फिर 15, फिर 10, फिर 14। अगर आप अल्टरनेट नंबर को देखेंगे तो एक एक कम होते जा रहा है, ठीक है 12, 11, 10, ठीक है सिमिलरली ये भी 16 से 15, 15 से 14, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, 10 से एक कम मतलब 9, ठीक है दोनों तरीके से हमारा वही आंसर है। ठीक है चलिए आप लोग बताइएगा अगर आप यूज करते तो कौन सा करते, फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला। ठीक है अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस है ये आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि अल्टरनेट पेयर है, वरना सबसे पहला तो अप्रोच ही हमारा यही होता है ना कि हम लोग डिफरेंस देखते चलते हैं, ठीक है दोनों से इसका आंसर आ जा रहा है। ओके चलिए अगला इसको बताइए, तो अगला इसको बताइए 13 सेकेंड के अंदर अंदर, ठीक है 13 सेकेंड के अंदर अंदर नंबर थोड़े से लार्ज हैं, नंबर थोड़े से लार्ज हैं, ऑप्शंस भी थोड़े से लार्ज हैं, ओके लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है यहाँ पे बताइए। टाइमर नहीं स्टार्ट होगा, चलिए जल्दी बताइए ए बी सी या डी, ठीक है ए बी सी या डी, नंबर थोड़े से लार्ज हैं, ऑप्शन थोड़े से लार्ज हैं, आपको बताना है क्या कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। और अगर मैं आपको हिंट दूं, अगर आप इतने तक में ही ऑप्शन समझ चुके हैं ठीक है, तो आपको ऑप्शन निकालना एकदम आसान हो जाएगा। अगर आप लॉजिक समझ गए हैं, और जो मैं ट्रिक हमेशा बताते चलता हूं कि आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, आपको सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है चलिए टाइम्स अप, देखिए किनका आंसर सही है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, क्या सीरीज चल रहा है, 7:30, 7:30 क्या है 9 का क्यूब, ठीक है 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, ठीक है 729 होता है। अब इसमें मैं +1 कर दूंगा हो जाएगा 7:30, ठीक है सही बात। अगला 10 का क्यूब कितना होगा, 1 के बाद 3 टाइम 0 +1 मतलब 1 के बाद 2 बार 0 और 1 बार 1, ठीक है सिमिलरली 11 का क्यूब क्या होता है, ठीक है 11 के क्यूब का तो आपको ट्रिक भी पता होगा, ठीक है इस तरीके से पढ़ते चलता है ये, ठीक है क्यूब में आपको क्या बोला था, देखिए मैं आपको एक टेबल दिया हुआ था वो मेरे इसमें प्रोवाइड भी है, मैं टेलीग्राम में फिर से कर दूंगा, आपको स्क्वायर एटलीस्ट 30 तक का याद होना ही चाहिए, क्यूब आपको एटलीस्ट 15 तक का याद होना ही चाहिए, क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट आपको कम से कम 10 तक का पता होना ही चाहिए, ठीक है चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 11 का क्यूब था +1 था, यहाँ हो गया था आपका 1332। अगला चीज नॉर्मल सी बात है, 12 का क्यूब होगा और +1 हो जाएगा, ठीक है 12 का क्यूब कितना होगा अभी मेरे को नहीं पता, ठीक है ठीक है मेरे को पता है, मैं आपको यहाँ सॉल्व करने की हिसाब से बता रहा हूँ, 12 का क्यूब जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट में 8 होगा, इसमें जब मैं 1 करूंगा यूनिट डिजिट में हो जाएगा 9, एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट में 9 है, ठीक है ये आपका आंसर हो गया। वह वरना मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इसका क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है क्यूब याद होना चाहिए, आप लोगों को कहां तक का
कम से कम आपको क्यूब तो आपको कम से कम 15 तक का याद होना ही चाहिए ना। ये आपको याद कर लीजिएगा, मैं आपको टेबल टेलीग्राम में प्रोवाइड भी करवा दूंगा। और टेबल जो ठीक है पहाड़ा होता है आपको 30 तक का याद होना ही चाहिए। ओके आगे चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। लेकिन जिनको इसका कॉन्सेप्ट पता है मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको 5 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम लगेगा। ठीक है, 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। ई जे ओ टी अगला टर्म क्या होगा? ठीक है, इसको हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। या फिर सिंपल अगर हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, स्टार्टिंग ही हम यहीं से करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, आपको बताना है ई जे ओ टी वाई क्या होगा। चलिए टाइम साफ, 30 सेकेंड मोर देन इनफ थे इसके लिए। ठीक है, 5 सेकेंड में ही इसको आपको बता देते हैं अगर आपको पता होता तो। देखिए ये जो नंबर होता है हम लोग इसको जो याद करने के लिए, ठीक है, ही ट्रिक याद करते हैं, क्या करते हैं, ई जे ओ टी वाई। ये क्या है, 5th नंबर का लेटर, 10th नंबर का लेटर, 15th नंबर का लेटर, 20th नंबर का लेटर, अगला 25th नंबर का लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, अगर आपको ये कोड पता होता तो आप टाइप इसको वाई लगा देते। ठीक है, क्या किए हम लोग, 5 5 के डिफरेंस में हैं, और यही चीज हमारा कोड भी होता है। जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे हम और बहुत सारे ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, कि अपोजिट का कैसे याद करते हैं, आधा बोलते हैं तो ए के अपोजिट जेड हो जाता है, बाय कहा जाता है तो बी के अपोजिट वाई हो जाता है, ड्यू कहा जाता है तो डी के अपोजिट डब्ल्यू हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली किसी तरीके से कुछ है, गेट गेट कहा जाता है तो जी के अपोजिट टी हो जाता है। चलिए जब हम इसको पढ़ेंगे तो और बताएंगे। अभी देखिए जैसे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ड्यू है तो आप इसको डी को डब्ल्यू के साथ ही क्यों देख रहे हैं, ई के साथ कंफ्यूज क्यों नहीं हो रहा है ई। ठीक है, सिंपल सा बात है, जो वॉवल है उसको आप इग्नोर कर लीजिए, तो बाकी जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट है, ड्यू। ठीक है, ड्यू जो पीते हैं, डी के अपोजिट डब्ल्यू, ई इग्नोर है तो डी के अपोजिट है डब्ल्यू। सिमिलरली मैं अगला वर्ड क्या बोला था, बाय। ठीक है, बाय तो ई को इग्नोर कीजिए, बी के अपोजिट है बाय। ठीक है, अगला मैं एक वर्ड क्या बोला, गेट। ठीक है, गेट मतलब पाना, ई को इग्नोर कीजिए, जी के अपोजिट होता है टी, टी के अपोजिट होता है जी। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे और वर्ड देखेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ हैज तो ए को इग्नोर कीजिए, ए के अपोजिट एस। ठीक है, ओके चलिए आगे। ठीक है चलिए ना, ये बताइए, तो ये भी आपका कंफर्म आया हुआ क्वेश्चन है, इसके लिए आप 30 सेकेंड ले लीजिए। लेकिन 30 सेकेंड बहुत है इसके लिए, मैं आपको बता दूं, इसका आपको तुरंत आंसर बताना है। देखिए आपको इसके बीच का बताना है, वेन डायग्राम बहुत आ रहा है ना, इस चीज को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, वेन डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सिलॉग से आ ही रहे हैं, साथ ही साथ रैंकिंग से बहुत सारों में देखने के लिए क्वेश्चन मिला है, डायरेक्शन से इस बार शायद क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन डायरेक्शन से बहुत क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, उसके अलावा सीरीज से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही रहा है, एनालॉजी से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही रहा है। ठीक है, और ऑड वन आउट, ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जिससे आपको मिल ही रहा है। ओके चलिए, इसके लिए 30 सेकेंड इनफ था, इसलिए इसको सॉल्व करते टाइम ही मैं आपको बता दिया। चलिए अगला, ओके क्या है, ठीक है ना, चलिए क्या है आपका, फ्रूट एप्पल और पॉमग्रेनेट। ठीक है, पॉमग्रेनेट मतलब अनार, एक होता है एप्पल एक होता है पॉमग्रेनेट, और ये दोनों के दोनों क्या है आपके, फ्रूट्स हैं। ठीक है, देखिए कोइंसिडेंटली क्या हो रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका यही वाला हमारा सी आंसर हो जा रहा है। ठीक है, स्मेली की तरह जो दिख रहा है, आपका फ्रूट है एक, आपका एप्पल है एक, आपका पॉमग्रेनेट है। ठीक है चलिए, देखिए इसी में कुछ का कमेंट था कि फ्रूट के साथ एप्पल नहीं पॉमग्रेनेट, ये है फ्रूट ग्रेप्स और पॉमग्रेनेट, ये भी वही चीज है, फल का बस नाम चेंज हुआ है, उसके अलावा तो कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये है आपका फ्रूट्स, ये है आपका ग्रेप्स और ये है आपका पॉमग्रेनेट। ठीक है, ये मैं सिंबॉलिकली बता रहा हूँ ना, जरूरी नहीं कि लेफ्ट वाले को ग्रैप करना है इस तरीके से। चलिए अगला, अगला भी यही है, इसमें आपको फ्रूट की जगह ग्रेप गार्डन लिखा हुआ है, ग्रेप और पॉमग्रेनेट। ठीक है, ग्रेप्स और पॉमग्रेनेट, ग्रेप अलग चीज हो गया, पॉमग्रेनेट अलग चीज हो गया, दोनों आपके जो होगा गार्डन में। ठीक है चलिए अगला, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ इसको बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लॉजिक क्या रहता है कि आपको कुछ एक ऐसा टर्म दिया होता है, आपको बताना है ना 30 सेकंड के अंदर अंदर, मैं बात करते चल रहा हूँ लेकिन आपको साथ ही साथ आंसर भी देना है। देखिए क्या है, एक इस तरीके से आपको एक टर्म दिया होता है जिसमें हमको कंफ्यूजन होता है, जैसे टीचर, टीचर हम मेल के लिए भी बोलते हैं फीमेल के लिए भी बोलते हैं।
चलिए बताइए इसका क्या होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अलग हो गया, टीचर अलग हो गया, ठीक है। कुछ हुए स्टूडेंट्स, कुछ टीचर, ठीक है, टाइम्स अप। कुछ हुए स्टूडेंट्स, कुछ हुए टीचर, ठीक है। और इसी में ही हमारा क्या हो गया, ये इस तरीके से बन जाएगा क्या, फीमेल, ठीक है। यही चीज हो गया। अगर मेरे को डायग्राम इस तरीके से दिया होता तो मैं ये भी ले सकता था। कुछ स्टूडेंट्स टीचर भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पीएचडी करने जा रहा है वो पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का हम देखे थे। अगर आपका ऑप्शन ये दिया हो, ठीक है, तो इसको हम प्रायोरिटी वाइज लेते हैं। अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ ये है तो सेकंड प्रायोरिटी हम इसको लेते हैं, ठीक है। और एक जो गलती नहीं करना है, जो मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ पोएट, ठीक है, कवि, इसका मतलब इसमें कवि क्या होते हैं, मेल होते हैं कि फीमेल होते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ना। पोएट होते हैं आपके मेल, क्योंकि इसके जो फीमेल होते हैं उनको पोएटेस कहा जाता है, या कवि को कवयित्री कहा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। और कुछ प्रोफेशन है जिसमें मेल हो फीमेल हो टीचर ही बोलेंगे, मेल हो फीमेल हो उनको डॉक्टर ही बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। चलिए देखिए, ये तो हो गया है आपका फ्रूट पॉमग्रेनेट और क्या ग्रेप्स, इसका आंसर आपका डी है। चलिए अगला ये बताइए तो कि इसमें से कौन सा रिलेशनशिप इस तरीके से होगा, क्या है, फ्रूट्स, ठीक है, फल, लाल और शर्ट, ठीक है, फ्रूट, रेड और शर्ट, इसके बीच में कौन सा आपका रिलेशनशिप शो कर रहा है, ये मेरे को कमेंट करके आप बताइए 30 सेकंड के अंदर, जल्दी बताइए, ठीक है। अगर ये आपको देखिए, ये जो वेन डायग्राम के हैं, अगर आपको समझ में आता है तो इसके लिए आपके पास 5 सेकेंड ही इनफ होते हैं, जितने में आप क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं साथ ही साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर भी 1 मिनट जल्दी से मार हमको जल्दी से इसके ऊपर देख लेना है क्या, कि कौन सा इनके बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है, कौन सा, रूट, रेड और शर्ट के बीच, ठीक है, बताइए, ठीक है। चलिए टाइम्स अप, ओके। चलिए देखिए, ये आपका क्या होगा, कुछ फ्रूट, ठीक है, कुछ फ्रूट रेड होंगे, ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि सभी फ्रूट रेड होते हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जो रेड होते हैं। अगला, कुछ शर्ट भी हैं जो रेड हो सकते हैं, और रेड अलग से ही है क्योंकि जरूरी नहीं कि जो भी रेड है वो या तो फ्रूट हो या तो शर्ट हो, इसका रिलेशनशिप आप क्या बता सकते हैं, ए, ठीक है, एक साइड हो गया फ्रूट, एक साइड हो गया शर्ट और बीच में हो गया रेड, ठीक है, रेड जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ओके। चलिए इसको बताइए तो, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं क्या अभी, चलिए इसको नहीं किए ना, चलिए इसको बताइए 30 सेकेंड के अंदर, ठीक है, इसको मैं लिख लूँ 5 18 39 120। ठीक है, देखें, ओके, 8 मोर सेकेंड टू गो, 120 है ना, 120, ठीक है। चलिए टाइम से आप देखिए क्या है, 5 से हुआ है 18, ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में भी देखे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपका डिफरेंस है, 5 से हुआ है 18, ठीक है, 18 से हो गया 39, ठीक है, ये 5 × 3 + 3 करेंगे 18 हो जाएगा। सिमिलरली अगला 18 से हो गया 39, मतलब इसको मैं इंटू थ्री में तो ये ज्यादा हो जाएगा, × 2 + 3 हुआ होगा, ठीक है, × 3 + 3 ×, ठीक है, मतलब × 2 + 3, अगला 39 से हुआ है आपका कितना, 120, मतलब फिर से क्या हो गया है, × 3, ठीक है, 39, 3 जा, जाहिर सी बात है 39 का टेबल नहीं याद होगा, तो इसको आप मान के चलिए 43 जा होता है 120, लेकिन एक एक 3 बार कम है, मतलब कितना हो जाता है आपका 117, और फिर से +3, 120 हो गया, मतलब मेरा पैटर्न क्या चल रहा है, × 3 + 3, अगली बार × 2 + 3, अगली बार × 3 + 3, तो अगला क्या होगा, अगला क्या हो सकता है आपका, × 2 + 3, ठीक है, मैं करके देखता हूँ ऑप्शन में है क्या। और यही चीज मैं किस में करूंगा, जो मेरा लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर क्या है आपका, 120, 120 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2, ठीक है, लिख देता हूँ, 120 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2, कितना हो जाएगा आपका, 240, और ऐड करूंगा 3, हो जाएगा 3, ठीक है, 243 आपका सही आंसर। चलिए अगला,
ये क्वेश्चन बताइए, देखिए इस क्वेश्चन में आपको डॉट में दिख रहा है, डेसिमल में दिख रहा है, अभी तक हम जितना सॉल्व किए थे कहीं पर डेसिमल नहीं आया था, इसको आप लोग बता दीजिए मेरे को 30 सेकंड के अंदर, ठीक है 30 सेकंड के अंदर आपको इसको सॉल्व करके बताना है। 24, 26, 22.5, 27.5, शुरू में दो ऐसे नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल नहीं है, बाद में दो ऐसे नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल है, और एंड में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है एंड में दिया हुआ है क्या क्वेश्चन मार्क। चलिए बताइए मेरे को आंसर को कमेंट करके बताइए इसमें से क्या होगा, ऑप्शन में भी मेरे को सिर्फ एक ही में आपको ऐसा डेसिमल में दिख रहा है, ठीक है चलिए आपका थैंक्स। अप देखिए क्या किया गया है, 24, 26, 22.5, 27.5। देखिए अगर मैं इसको ध्यान से दूं, देखिए पहला तो मैं डिफरेंस देखता हूं, लेकिन इसमें एक चीज और जो दिख रहा है, जैसे एक पैटर्न हम किए थे, ठीक है यहां से एक बार नंबर बढ़ा, फिर नंबर कम हुआ, फिर नंबर बढ़ा, तो देखते हैं इसके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा है क्या अल्टरनेट वाला, ठीक है। देखिए अल्टरनेट के लिए अब हम क्या करते हैं इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है 24 से अगर हुआ होगा 22.5, ठीक है 24 से अगर 22.5 हुआ होगा मतलब -0.5 कम हुआ है, ठीक है अच्छा यहाँ 27.5 था ना, और 26 से हुआ है 27.5 मतलब +1.5 हुआ होगा, ठीक है मतलब मेरा सीरीज क्या दिख रहा है, हर अल्टरनेट नंबर पे एक बार -1.5, अगला +1.5, तो अगला क्या हो जाएगा 22.5 में मैं ऐड करूंगा 1.5, तो देखता हूँ मेरा आंसर दिया हुआ है क्या, 22.5 में मैं माइनस करूंगा 1.5, कितना हो जाएगा 0.5, 0.5 कैंसल, 22 से 1 मतलब हो गया 21, ठीक है आंसर क्या हो गया आपका 21। ओके चलिए अगला, हाँ ये क्वेश्चन बताइए, तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको बताना है मेरे को 30 सेकंड्स के अंदर, इसमें भी आपको जैसे ऑप्शन में एक नंबर आपको डेसिमल में दिख रहा है, देखिए आप लोग का क्वेश्चन तो ये कंफर्म है कि आया है, ऑप्शन हो सकते हैं थोड़े बहुत आपको चेंज दिखे, लेकिन इतना आप श्योर मानिए कि ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ ही है, इसलिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 30 सेकंड्स के अंदर तो ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ओके चलिए बताइए, 8 हो गया है 12, ओके टाइम्स अप, चलिए 8 हो गया है 12, 12 हो गया है 30, 30 हो गया है 45, उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट में जो हम लोग एनालिसिस किए थे एक इस तरीके का सीरीज था, ठीक है 8 हो गया है 12, ठीक है कितना बढ़ रहा है अपना आधा मतलब 1.5 इंक्रीज हुआ है, ठीक है 1.5, 12 हो गया है 30 मतलब 2.5 इंक्रीज हुआ है, ठीक है 2.5 हुआ है ना, 12 × 2.5, ठीक है 12 × 2.5 करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है 12 × 2 = 24 और 0.5 मतलब 6, तो ये कितना हो गया यहाँ प्लस ना, ये हो गया आपका 30, ठीक है ऐसा एक सीरीज हम लोग कल भी किए हुए थे। अब देखिए 30 + 0.5 सॉरी × 1.5 × 2.5, देखते हैं अगला में क्या सीरीज है, 3.5 है या कुछ और, तो अगला 30 से हुआ है 45 मतलब फिर से 1.5 हो गया है, ठीक है फिर से 1.5 हो गया है मतलब आपका सीरीज कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, 1.5 × 2.5 × 1.5, तो अगला क्या होगा × 2.5, ठीक है × 2.5 किस में 45 में, 45 × 2.5 कितना हो जाएगा 45 × 2 होता है 90 और इसका हाफ, ठीक है इसका हाफ कितना होता है 22.5, ठीक है 90 में मैं 22.5 ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 112.5, ठीक है 112.5, ठीक चलिए जिनका आंसर था बहुत सही है और आगे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ओके चलिए अगला, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए दो, ठीक है इस क्वेश्चन को बताइए, अच्छा टाइमर, चलिए टाइमर नहीं ये क्वेश्चन भी मैं टाइमर नहीं दे रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन जस्ट एज प्रीवियस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है शुरू के लेटर्स तक, शुरू के डिजिट तक तो सेम है, 8 12 यहाँ तक सेम है, यहाँ से अलग हो रहा है, ठीक है देखिए कैसा है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं 8 से हुआ है 12 मतलब 1.5 टाइम्स हुआ है, 12 से हुआ है 18 मतलब 1.5 टाइम्स हुआ है, 18 से हुआ है 27, ठीक है 18 से 1.5 मैं कर रहा हूँ ना, 18 × 1.5 मतलब कितना
1.5 मतलब 1 कंप्लीट और 0.5 ज्यादा, ठीक है, परसेंट में आप लोग पढ़ेंगे इस टाइप से, 1 कंप्लीट और 0.5 ज्यादा, ठीक है। चलिए चलिए, तो देखिए 1 कंप्लीट और 0.5 ज्यादा क्या होगा, 27 से आपको, सॉरी 18 से 1.5 आप ज्यादा गए, आपका कितना हो गया 2.7, ठीक है, 18 से मैं गया 2.7 हो गया, तो 27 से अब मेरे को कितना फिर से ज्यादा जाना है, 1.5 टाइम्स जाना है, ओके, तो 27 से मैं 1.5 जाता हूँ, मतलब 27 में मैं ऐड कर देता हूँ इसका आधा, मतलब 13.5, 27 में मैं 13.5 ऐड करूंगा, ये हो जाएगा 40.5, ठीक है, सॉरी 40.5 ना, 40.5 यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए इसको आप लोग मेरे को बताइए 30 सेकंड में, ये भी आपका कन्फर्म्ड आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका कन्फर्म्ड आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप 30 सेकंड के अंदर बताइए, ठीक है, क्या कहा गया है, रैबिट जिस तरीके से बुरो में रहता है, ठीक है, मतलब देखिए, ओके, चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आप मान लीजिए बाकी के पेपर्स आप इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है कि आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो क्या होता है हमारे एग्जाम में, चलिए 7 सेकंड टू गो, ऊपर में राइट साइड में लैंग्वेज चेंज करने का रहता है, आप किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा है तो उसको आप क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके वहां देख सकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक्स अब। देखिए रैबिट जिस तरीके से यहाँ बिल में रहता है, सिमिलरली क्या है, स्पैरो, स्पैरो है आपका चिड़िया, चिड़िया रहता है नेस्ट में, ठीक, नेस्ट में रहता है, ओके, चलिए ये हो गया स्पैरो, स्पैरो से रिलेटेड एक आपका एडम्स रेडिस भी आता है ना, क्या होता है, वन एरो, ठीक है, ये कहावत सुनेंगे आप लोग, वन एरो टू स्पैरो, ठीक है, ये कहावत का आप मेरे को मीनिंग बताइएगा, तो क्या होता है हिंदी में बताइएगा, वन एरो टू स्पैरो, इसके हिंदी में इस कहावत का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, चलिए आगे ये आप मेरे को बताइए, इसमें ई, ठीक है, पहला टर्म जिस तरीके से रिलेटेड है सेकेंड टर्म से, उसी तरह ये किससे रिलेटेड होगा, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकंड का टाइम, और ये आप मेरे को बताइए 30 सेकंड में, ठीक है। देखिए इतना हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं कि मैं अभी आपको ये जो नंबर वाले वैल्यूज होते हैं, ठीक है, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, ऐसा अगर मैं प्रोवाइड नहीं भी करवाऊँ तो आपको तुरंत इसमें बताना है, ठीक है, और जब आपको पता ही है कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है, जब आपको पता ही है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो आपको एक बार जल्दी से लिख लेना है ए बी सी डी का एन तक, और एम से फिर रिटर्न, एन से रिटर्न जेड, ओके, टाइम सब। चलिए मैं आपको बता दूं ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ए से लेके एम तक आप जा रहे हैं फिर हम रिटर्न करते हैं, क्यों, इसमें हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो साथ ही साथ यहाँ पे हमको इसके अपोजिट भी पता चल जाता है और अपोजिट से प्लेस वैल्यू भी पता चल जाता है, जैसे ई का वैल्यू है 5, ठीक है, उसके अपोजिट में होता है वी, और वी का वैल्यू होता है 22, मतलब E का अपोजिट साइड से वैल्यू आपका 22 होगा, ठीक है, यही चीज। चलिए अब अपने क्वेश्चन में आते हैं, E हो गया है आपका M, ठीक है, E होता है आपका 5, 5 हो गया आपका 13, ठीक है, 5 हो गया आपका 13, चलिए प्लस 8 है, G, G हो गया है आपका, G होता है 7, 7 हो गया है आपका क्या, O, O कितना होता है 15, मतलब ठीक है प्लस 8 है। अगला I आपका होता है 9 और Q आपका होता है कितना 17, मतलब प्लस 8। देखते हैं लास्ट में भी यही है क्या, K का S हो गया है, K होता है 11, 11 में मैं प्लस 8 करता हूँ हो जाता है 19, 19 में ही है आपका क्या S, मतलब ये प्लस 8 प्लस 8 का सीरीज चल रहा है, तो A C E G, ठीक है, A मतलब 1, 1 प्लस 8 हो गया I, ठीक है, I दो ऑप्शन में है, पहला हो गया I, अगला है C, C मतलब 3, 3 प्लस 8 हो जाएगा आपका 11, मतलब K, ठीक है, I K, शुरू के दो लेटर मेरे को मिल गया आई के, मैं ऑप्शन से लगा देता हूँ आई के एम, ठीक है, मेरे को बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर बाकी चेक कब करता जब इसमें भी आई के होता तो मेरे को आगे के नंबर चेक करने पड़ते, ठीक है, ये आपको ऐसा ऑप्शन से समझना है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही ऑप्शन आपके एग्जाम में आए थे, ऑप्शन से इस तरीके से हमको समझना है, अगर ऑप्शन में सभी दिए होते तो मैं इसको और आगे का निकालता, ई होता है 5, 5 प्लस 8 होता है 13, 13 का हो गया एम, ठीक है, या ई तो हम लोग यहाँ भी देखे ही थे, ठीक है, जी, जी कितना होता है आपका 7, 7 प्लस 8 होता है 15, तो यहाँ हम लिख देते ओ आई के एम, ठीक है। चलिए अगला, अगला भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, इसका आप लोग बताइए तो क्या होगा, ठीक है, 30 सेकंड के अंदर मेरे को बताइए, ठीक है,
SWMI, ठीक है, SWMI हो गया आपका WTQF, ठीक है, कुछ तो पैटर्न दिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग सॉल्व करने बैठेंगे, सबसे पहले ही आपको देखिए रफ शीट मिल जाता है, रफ शीट में अगर आपको लिखना अलाउ कर रहे हैं तो आप उसमें पहले ही लिख लीजिए, ठीक है, या आपको याद भी होना चाहिए ना, मेमोराइज होना चाहिए। चलिए देखें, देखिए एस का क्या हो गया है, डब्ल्यू, एस है आपके 19th नंबर पे, 19th से हो गया है 23, मतलब कितना, प्लस 4। आगे देखते हैं, देखिए यहां तक हो गया प्लस 4, डब्ल्यू हो गया है टी, ठीक है, डब्ल्यू कितने नंबर पे है, 23 में है, और ये हो गया है टी, ठीक है, मतलब -3, ठीक है, +4 -3। आगे देखते हैं, एम हो गया आपका क्यू, एम हो गया आपका क्यू, 13 था वो 17 हो गया, मतलब +4। और आई हो गया आपका एफ, ठीक है, आई होता है आपका 9th, ठीक है, 9th ना, आई होता है आपका 9th, और आई हो गया आपका एफ, मतलब -3, ठीक है, -3। आपका सीरीज क्या चल रहा है, +4 -3, +4 -3, ऐसा आपको एक बार बना ही लेना है ना, इससे आपका क्वेश्चन आ ही रहा था, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए अब किसको मेरे को, सॉरी, +4 +3 +4 +3, ये सीरीज चल रहा है, सॉरी +4 -3 ना, +4 -3 +4 -3, तो ए 1 + 4 बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास एक ही बार है, लेकिन अगर ऑप्शन कुछ और होता है एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। अब यू से मेरे को -3 करना है, यू होता है 21, 21 -3 हो गया आपका 18, 18 नंबर पे है आर, ठीक है, अच्छा +3 -3, अच्छा ऑप्शन में यहाँ कुछ गलती है ना, ठीक है, देखिए +3 सॉरी +4, डब्ल्यू का हो गया था आपका टी, डब्ल्यू का हो गया था आपका टी, ठीक है, यहाँ ऑप्शन में थोड़ा गलती है, देखते हैं सही आंसर क्या होगा, ए का हो गया डी, यू का हो जाएगा आपका आर, पी में मैं फिर से +4 करूंगा, पी होता है 16, +4 हो गया टी, ठीक है टी, अच्छा यही मैं गलती कर रहा हूँ, ये ठीक है, ए +4 होता है 5, मतलब ई हो जाएगा ना, ये ई, ठीक है, ई आर टी, और फिर आर को मैं फिर से -3 कर देता हूँ, 18 -3 हो गया आपका, 18 -3 हो गया आपका 15, 15 पे है ओ, ठीक है, ई आर टी ओ, ठीक है, शुरू में हम क्या गलती कर रहे थे, ए +3 को हम लोग ये लिख दे रहे थे, ए +4 को हम डी लिख दे रहे थे, ये ई होना चाहिए, ठीक है, आंसर हो गया आपका बी। चलिए अगला आप इसमें बताइए, रेक्टेंगल कितने होंगे, ठीक है, यहाँ टाइमर तो नहीं, लेकिन आप लोग इसको सही मेरे को बताइए, ठीक है, यहाँ मैं टाइमर नहीं लगा रहा हूँ, अब मेरे को इसको कमेंट करके बताइए कि इसमें कितना सॉरी रेक्टेंगल होगा, ठीक है, रेक्टेंगल क्या आयत बोलते हैं हिंदी में, खैर ठीक है, बताइए, थोड़ा देर का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ट्राइंगल काउंट करना हम लोग देखे थे, स्क्वायर काउंट करना हम देखे थे, ठीक है, डेडिकेटेड हम उस पर पूरा एक लेक्चर करेंगे, हम एग्जाम के हिसाब से भी सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ मैं आपको पूछता हूँ इस फिगर में रेक्टेंगल कितने हैं, ठीक है, ऑप्शन भी छोटे छोटे हैं, 6 7 8 9, चलिए ठीक है, देखें देखिए, ठीक है देखिए इनका आंसर सही देखते, चलिए ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, इतने दूर में ही हो गए कितने, 3, सिमिलरली यहाँ पे 1 2 और इन तीनों को मिला के 3, ठीक है, मतलब यहां तक तो हो गए कितने, 3 + 3, ओके, अब आगे और कहाँ आपका ट्राइंगल बन रहा है, देखिए 3, और उसके बाद ये हो गया आपका 4, ठीक है, ये हो गया आपका 4, ओके फिर से बता रहा हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और इन दोनों को मिला के एक जो बनेगा उनको मिला के टोटल हो गया 3, ठीक है, अब यहाँ पे 1, ये हो गया आपका 2, और इन दोनों को मिला के एक जो बना टोटल मिला के बन गया कितना, 3, ठीक है, अब 3 के अलावा ये हो गया 1, ठीक है, यहाँ तक हो गया 2, ठीक है, और सिमिलरली एक जो आपका ये बड़ा वाला है, ठीक है, टोटल हो गए 3, टोटल हो गए 9 रेक्टेंगल्स, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जैसे अगर कभी भी हमको इस तरीके से शेप मिलता है, ठीक है, इस तरीके से शेप मिल रहा है, एक आपका रेक्टेंगल है, इसको मैं दो पार्ट्स में काट दिया, अब पूछता हूँ कितना रेक्टेंगल हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 1 2, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एक बार आपको पता चल गया एक बड़ा ट्रायंगल भी आपके इस तरीके से बन रहा है, ठीक है,
वही चीज यहाँ पे यूज हुआ है। बाकी हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स जब पूरा पढ़ेंगे तो इसको हम और डिटेल में देखेंगे। अभी हम 3D फिगर का काउंट करना सीख चुके हैं, ठीक है, आज ही किए हैं, जिसमें हम क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स एकदम बेसिक लेवल से एकदम टफ लेवल तक के क्वेश्चन को भी किए हैं, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ, क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट 5th है, ठीक है, पार्ट 5th है, जिसमें हम काउंटिंग ऑफ ब्लॉक किए हुए हैं। जब 3D इमेज देता है उसमें हमको काउंट करना होता है, तो कैसे करते हैं। ओके चलिए अगला देखिए, ये है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग एप्टीट्यूड है। इसको आप मेरे को बताइए 30 सेकेंड्स के अंदर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बताइए, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए 30 सेकेंड्स के अंदर। आपको खुद में क्वेश्चन पढ़ना रहता है और साथ ही साथ आंसर देना रहता है। चलिए ठीक है, 10 सेकेंड, करेक्ट आंसर बताइए एक बार में, आप करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है, सिंपल सा है, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आई होप सही आंसर दिए हैं आप लोग। देखिए क्या बोलता हूँ, इफ देयर आर फ्यू गोट्स एंड चिकन इन अ फार्म हाउस, किसी फार्म हाउस में गोट्स हैं और चिकन्स हैं, पता नहीं कितने हैं बट हैं, टोटल हेड आर 57, मतलब अगर ठीक है एक गोट का या एक चिकन का एक ही हेड रहेगा, ठीक है, तो टोटल हेड 57 है, मतलब दोनों को मिलाकर 57 है। अब टोटल लेग्स 168, ठीक है, मतलब टोटल लेग्स उनके, देखिए गोट का क्या होगा, वन हेड होता है, ठीक है, सभी का लेग्स इसके 4 होते हैं। सिमिलरली चिकन में ठीक है वन हेड और लेग्स का मैं बात करूँ तो लेग्स होते हैं 2, ठीक है। अब आपको इसमें टोटल बताया है, इनके लेग्स बताया है, अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ चिकन कितने हैं, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक याद रखने से अच्छे इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, जी प्लस सी, ठीक है, ये मान लीजिए इनके हेड हैं, जी नंबर ऑफ गोट्स हैं, सी नंबर ऑफ सी हैं, तो दोनों मिला के हो जाएंगे कितने, 57, ठीक है। सिमिलरली एक जी के 4 लेग्स हैं, तो ये 4G, सॉरी 4G ना, मतलब 4 लेग्स नंबर ऑफ गोट्स के प्लस 2 लेग नंबर ऑफ चिकन के इक्वल टू टोटल आपको दिया हुआ है 168, ठीक है। अब मेरे को इसको लेके बस सॉल्व कर देना है, मेरे को जो सॉल्व करना है उसी हिसाब से मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें मेरे को अब सॉल्व करना है, मेरे पास दो अननोन है, दो इक्वेशन है, ठीक है, किसी से भी मैं निकाल सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको निकालता हूँ, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई किया 2, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 2 और बाद में इसको माइनस कर दिया, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या यहाँ पे आपका 2G, और यहाँ 158 में से ये इसको मैं अगर करता हूँ कितना जाता है 114, ठीक है, 114 होगा ना 57, 168 में से ये 114 को मैं माइनस करूंगा, कितना हो जाएगा आपका 4, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं क्या, 57 है, 168 है, ठीक है, 57 है, 168 है, यहाँ तक ठीक है, ये हो गया आपका 4 और यहाँ हो गया आपका 5, ठीक है, 54, 54 क्या है, 2G इक्वल टू 54 है, तो G इक्वल टू कितना है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2 जा 7 जा, ठीक है, गोट है 27, लेकिन हमको क्या पूछा था, चिकन, ठीक है, चिकन पूछा था, तो टोटल 57 एनिमल्स हैं, उसमें से 27 गोट है, अब माइनस कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा क्या, 30, ठीक है। क्या किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए जी नंबर ऑफ गोट्स है, ठीक है, मतलब जी नंबर है गोट का, जी नंबर ऑफ गोट्स हैं प्लस सी नंबर ऑफ चिकन्स हैं, ठीक है, दोनों को मैं ऐड करूंगा आ जाएगा 57, ठीक है, क्यों, 57 हेड्स हैं आपको बताया है, ठीक है। अब टोटल लेग्स, अगर जी नंबर ऑफ गोट्स हैं तो उनके 4 टाइम्स उनका लेग्स होगा, प्लस सी नंबर ऑफ चिकन है तो उनका 2, ठीक है, इसको कर लेता हूँ, 2 टाइम्स उनके लेग्स होंगे, और टोटल लेग्स भी आपको दिए हुए हैं कितना, 168। अब मेरे पास दो इक्वेशन हैं, दो अननोन हैं, इसको आप जिस तरीके से चाहें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा, ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए 2G, ठीक है, जी है, ठीक है, 2G मतलब 2 टाइम्स कोट इक्वल है, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, मेरा क्या आ जाता है 54, ठीक है, 54 आ जाएगा ना, मतलब जी का वैल्यू 27, गोट अगर पूछता तो 27 होता, लेकिन हमसे पूछा है क्या चिकन, दोनों मिला के 57 थे, ये पहला वाला इक्वेशन, तो
57 में से 27 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 30। 30 क्या है आपका? नंबर ऑफ चिकन। ठीक है, नंबर ऑफ चिकन। चलिए, ये क्वेश्चन कहा गया है कि आपके में आया है, थोड़ा सा इसका लॉजिक अजीब सा है, ठीक है, लेकिन इसको आप लोग 30 सेकंड में सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आया है करके मिला है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जब हम लोग इसको करेंगे मिसिंग नंबर के अंदर, ठीक है, मिसिंग नंबर जब हम टॉपिक करेंगे तो इसको हम और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए, इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू भी जरूरत पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। इसको थोड़ा सा अगर हम देखते हैं, जिसके ऊपर में अल्फाबेट्स हैं, नीचे में नंबर्स हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आप लोग का टाइम्स। अब देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे इनका नंबर दिखा देता हूँ, ठीक है, देखिए इसमें कोड में अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरीके से है कि एस का वैल्यू होता है कितना, 19, 19 प्लस 8 27, ठीक है, 27 इस तरीके से है, ये आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। डब्ल्यू प्लस 4, ठीक है, डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू और प्लस 4, डब्ल्यू का वैल्यू होता है 23 प्लस 4 27, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है करके मिला था, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगला ए प्लस 26, ये तो 27 होगा, इसको वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, तो टी के वैल्यू में मैं क्या ऐड करूँगी, 27 हो जाए, टी का वैल्यू होता है 20, 20 प्लस समथिंग ऐड करूँ 7 हो जाए, एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, सॉरी 27 हो जाए, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, आपके ऑप्शन में है 7, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला बताइए। तो गेम जिस तरीके से रिलेटेड है चेस से, सिमिलरली डिवाइस कौन सा है, गेम है चेस तो डिवाइस क्या है। ठीक है, डिवाइस ह्यूमन तो नहीं है, वाटर नहीं है, रैबिट नहीं है, कंप्यूटर आपका एक डिवाइस है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कब, 1 फाइव के एग्जाम में। ठीक है, 1 फाइव के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया था इसका क्या, सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का, तो इसको आप एक बार अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हेक्सागोनल वाला ना, हेक्सागोनल क्या बोला है, सिक्स कलीग्स। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको टाइम दूंगा 30 सेकेंड का, उसमें आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, साथ साथ पढ़ते चलिए। सिक्स कलीग्स पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, 6 लोग हैं पी क्यू आर एस टी यू, और सिटिंग अराउंड अ हेक्सागोनल टेबल। ठीक है, हेक्सागोनल टेबल क्या होता है, कुछ इस तरीके से हेक्सागोन की तरह होता है, 6 एंगल्स बनते हैं, 6 साइड्स होते हैं, वो हमारा हेक्सागोनल टेबल है। ठीक है, ईच एट वन कॉर्नर एंड फेसिंग द सेंटर ऑफ द हेक्सागोनल, मतलब अगर ये हेक्सागोनल टेबल है सब सेंटर की तरफ ही देख रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली टेबल में सब ऐसी सेंटर की तरफ ही देख रहे होते हैं। ठीक है, अब आगे आपको बोला है पी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा समझा भी दूं, पी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में होगा, इमीडिएट नहीं बोला है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, इमीडिएट नहीं बोला है, सिर्फ बोला है लेफ्ट, एकदम जस्ट लेफ्ट में होगा नहीं कहा गया। आगे लेफ्ट ऑफ यू, क्यू इज नेबर ऑफ आर एंड एस, क्यू आर और एस दोनों का नेबर है, पी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, तो आप पहले इतना का आप पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद इससे बनने वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, 30 सेकेंड स्टार्ट हो चुका है, इससे बनने वाले आप डायग्राम बना लीजिए, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, किस तरीके से आप बैठाएंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। एक बार इसका अरेंजमेंट बन गया तो इससे बनने वाला कुछ भी क्वेश्चन हो, ठीक है, अभी तक देखिए इसमें हम क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं, ये सिर्फ आपको अरेंजमेंट बताया है, इससे बनने वाला कुछ भी क्वेश्चन हो तो वो बन ही जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको 30 सेकंड दिया हूँ। ठीक है, चलिए देखें, देखिए सबसे पहले तो चलिए पी क्यू आर एस टी यू 6 लोग हैं। ओके, आगे हेक्सागोनल के हर कॉर्नर पे बैठे हैं और अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, हेक्सागोन बनाए अंदर की तरफ दिखा दिए सबको, पी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू। ठीक है, पी जो है यू के लेफ्ट में बैठा हुआ है, इमीडिएट नहीं बोला है। आगे Q इज नेबर ऑफ R एंड S, ठीक है, Q यहाँ मैं अभी इमेज बनाते चल रहा हूँ, उसके बाद इसमें बैठा दूंगा। ठीक है, Q R और S का नेबर है, मतलब हो सकता है एक अरेंजमेंट ऐसा हो या फिर हो सकता है एक अरेंजमेंट ऐसा, ठीक, यही हो सकता है Q R और S के बीच में है। उसके बाद T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, S के सेकेंड लेफ्ट में T है, S के सेकेंड लेफ्ट में T पहले अरेंजमेंट में हो सकता है क्या, 1 2, यहाँ तो R बैठा है तो ये अरेंजमेंट तो नहीं हो सकता, कौन सा अरेंजमेंट हो सकता है,
एस के बाद एक कोई होगा, उसके बाद टी होगा, ठीक है। यही तक दिया है, अब इसी में से मेरे को लेके डायग्राम बनाना है। देखता हूँ मेरे को जितना कंफर्म पता है इनको मैं एज इट बैठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए आपको पता है टी है, फिर समथिंग है, फिर एस है, उसके राइट में क्यू है, उसके राइट में आर है। तो इसी अकॉर्डिंग मैं इस पर बैठा देता हूँ कहीं से भी। मान लीजिए यहाँ है एस, यहाँ कोई बीच में गैप है, यहाँ बैठा है टी, ठीक है, यहाँ होगा क्यू, यहाँ होगा आर। अब ये जो दो स्पेस बच गए इसमें मैं क्या करूं, इसके लिए मेरे को पता है पी यू के लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था, इमीडिएट नहीं कहा था, तो यहां बैठा दीजिए यू को और उसके लेफ्ट में बैठा दीजिए पी को, ठीक है। तो हमारा अरेंजमेंट कुछ इसी तरीके से बना, ठीक है। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एस के अपोजिट पी, यू के अपोजिट आर, टी के अपोजिट क्यू। तो अब इसको हम ध्यान में रखते हुए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। वही इमेज है आपका, सेम है जो हम लोग सॉल्व किए थे, थोड़े अच्छे फॉर्म में लिख दिया हूँ। ओके चलिए, अब आप लोग मेरे को बताइए तो क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के फोर्थ में कौन है, ठीक है। वो भी लेफ्ट से ना, तो क्यू के लेफ्ट से फोर्थ में कौन है, 1 2 3 4, ठीक है। फोर्थ लेफ्ट में कौन है, पी है, ठीक है। लेफ्ट आपका जब ऐसे हाथ करते हैं जो एल से बना वो आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो क्यू के लेफ्ट से फोर्थ में है आपका पी, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये होता तो आपका आंसर पी होता। अगर क्वेश्चन आपका ये होता, हु इज अपोजिट टू पी, ठीक है, पी के अपोजिट में कौन है, तो ये भी हमको इमेज से पता चल चुका है कि पी के अपोजिट में है आपके एस, ठीक है। पी के अपोजिट में है एस, एस के अपोजिट में है आपका पी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से एक आया है ना, इसके पहले वाले फेज में भी एक साथ तक 29 जैन में एक आया था, ठीक है। 29 जैन में एक बार सिटिंग अरेंजमेंट आया था, और बाकी में थोड़े से इजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है, इस तरीके से एक क्वेश्चन आया है। ओके चलिए अगला, इसमें से बताइए इसमें से कौन सा अलग है, स्वॉर्ड, डैगर, नाइफ या हो, ठीक है। अगर आपको हो का मीनिंग नहीं पता होगा, आप इस तरीके से जो आप एग्जाम दे रहे होते हैं, ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर में छोटा सा यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने का होता है, आपको पता चल जाएगा क्या खुदा, ठीक है। ठीक है चलिए, इसके लिए 30 सेकेंड लगेगा क्या, मुझे नहीं लगता 30 सेकेंड लगेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। अलग क्या है, तलवार, कटार, ठीक है, कटार भी इस तरीके से रहता है जो तलवार की तरह होता है, ठीक है, कटार, ठीक है, ये स्वॉर्ड की तरह ही रहता है छोटा सा, चाकू या कुदाल, ठीक है। चलिए ठीक है, आंसर ऑप्शन बताइए, ए बी सी या डी, ठीक है। चलिए ओके टाइम सर, देखिए बाकी सब चीज क्या है, कट करने का है, ठीक है, स्वॉर्ड हो गया, डैगर हो गया, नाइफ हो गया, और ये क्या है, डिग करने का है, ठीक है, गड्ढा करने का है, कुदाल। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो या फिर कुदाल, ठीक है। चलिए अच्छा, दिस इज गुड क्वेश्चन, इसका आप लोग बताइए, थोड़ा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा अलग है, टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, 25 सेकेंड बचा है, बताइए। टोक्यो, बीजिंग, रतिया की कुआलालंपुर, थोड़ा सा इसमें आपका जीके का नॉलेज लगेगा। अब मेरे को कमेंट करके सही आंसर बताइए क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। 8 सेकेंड मोर, चलिए चलिए ओके टाइम सब, देखिए किनका किनका आंसर सही हो रहा है। देखिए टोक्यो, टोक्यो ठीक है, शहर है और साथ ही साथ ये जापान का कैपिटल है। बीजिंग चाइना का कैपिटल है, ठीक है। सिमिलरली रसिया तो खुद में एक कंट्री है, और कुआलालंपुर खुद में ये मलेशिया का कैपिटल है, ठीक है, मलेशिया का कैपिटल है। तो इसमें आप देखेंगे बाकी तीनों चीजें कैपिटल है, ठीक है, बाकी तीनों चीजें कैपिटल है, एक नाम दिया है जो खुद में आपका कंट्री है, ठीक है, कौन सा, रतिया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, आपका आंसर सी हो गया, क्योंकि बाकी सब आपका कैपिटल दिया हुआ था ना। थोड़ा सा यहाँ पे आपका जीके का टर्म है, जीके का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, ठीक है, और इतना आपको होना ही चाहिए, बाकी कुछ कुछ हम ट्रिक्स से याद करेंगे, स्टेट कैपिटल से याद करेंगे, और भी बहुत सारी चीजों का हम ट्रिक्स से याद करते चलेंगे, सब एनालॉजी में आपको ऑड वन आउट में आपको काम पड़ता ही है। ओके देखिए, एक क्वेश्चन आपको एजेस का देखने के लिए मिला है, ठीक है, एजेस को भी हम रीजनिंग के अंदर कवर करते हैं। एजेस का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है,
इसको आप लोग पढ़िए और फिर 30 सेकेंड्स के ही अंदर आंसर भी दीजिए, ठीक है? ठीक है, पढ़िए और 30 सेकेंड्स के अंदर ही आपको आंसर देना है। थोड़ा फास्ट रहना है आपको, अब एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? आपको थोड़ा फास्ट, जिस हिसाब से प्रैक्टिस रहेगा उसी हिसाब से आपका एग्जाम में भी बनेगा। बताते जाइए आंसर, ए बी सी एफ डी। देखिए सिंपल सा है ये आपका, अगर मैं एप्टीट्यूड में बात करता तो ये आपका रेशियो का ही प्रॉब्लम है, ठीक है, एजेस का ही प्रॉब्लम है। चलिए देखिए, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा करते जाते हैं। द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू पर्सन ए एंड बी आर गिवन इन द रेशियो 5:3। मतलब इनका जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, इसका रेशियो ए और बी का रेशियो कितना है, 5:3। मतलब अगर ये समथिंग 5x होगा तो बी समथिंग 3x होगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। आगे, आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम्स 10:7। तो जब मैं बात करता हूँ 5 ईयर्स बाद का, ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ 5 ईयर्स बाद का, मतलब ये भी 5 ईयर बढ़ जाएगा, ये भी 5 ईयर बढ़ जाएगा, और दोनों का रेशियो है 10:7, ठीक है, दोनों का रेशियो है 10:7 ना। अब मेरे को क्या बताना है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, मतलब बी का प्रेजेंट एज क्या है। देखिए एक इक्वेशन दिख रहा है, एक ही अननोन है, ठीक है, एक इक्वेशन दिख रहा है, एक ही अननोन है, ये आपका इजिली निकल जाना चाहिए। इसको जैसे अगर मैं चेक करूं, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया 35x प्लस 35, सिमिलरली इधर 30x प्लस 30, नहीं सॉरी 50 ना, ये 50 हो जाएगा, 50, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, एक्स वाले टर्म्स में एक तरफ ले आया, 35 माइनस x हो गया आपका 5x, और अगर इसको मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है, 35 माइनस 50 हो जाएगा आपका 15। देखिए ए का एज कितना था, ए का एज शुरू में ही कितना, 5x था, ठीक है, ए का एज यहाँ मेरे पीछे लिखा जा रहा है क्या, ए का एज 5x था, बी का एज 3x था। अगर ए का एज मेरे को पूछता तो मेरे को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट बता देता 15 है। मेरे को बी का एज पूछा है तो मैं क्या करूँ, एक्स का वैल्यू निकालता हूँ, 5 को यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, एक्स इक्वल टू हो गया 3, ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 हो गया, तो यहाँ एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 × 3 मतलब 9 ईयर, ठीक है, जो बी है उनका प्रेजेंट एज है आपका 9 ईयर। ओके चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, एजेस का क्वेश्चन अभी के बाकी पिछले एनालिसिस में नहीं था, ये नया है ना। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका कारण और प्रभाव, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में से एक कुछ कारण हुआ होगा और उसके कारण दूसरा स्टेटमेंट प्रभाव हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप 30 सेकेंड्स के अंदर आपको पढ़ना भी है और आंसर भी देना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, काउज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब प्रभाव, ठीक है, मुझे बताइए, 15 सेकेंड बचा है, 15 सेकेंड के अंदर बताइए कि कौन सा इसमें का कारण हो सकता है, कौन सा इसमें का प्रभाव हो सकता है, ठीक है। थर्ड फेज में इस तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है और शायद यही क्वेश्चन भी था आपका, इसमें से कौन सा कारण है, कौन सा उसका प्रभाव है, ठीक है, ए कारण है कि बी प्रभाव है। ओके टाइम सर, देखिए क्या बोला है, पुलिस विजिलेंस ड्यूरिंग नाइट टाइम, पुलिस क्या है, रात में गश्त लगाते हैं, ठीक है, ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कारण स्टेटमेंट बोल रहा है। और क्या बोला है, द पीटी क्राइम्स ऑकर्स इन नाइट, मतलब जो छोटे मोटे अपराध, ठीक है, क्षुद्र अपराध जो होते हैं रात में होते हैं, ठीक है, तो अब पुलिस क्यों गश्त लगा रहे हैं, कि अपराध हो रहा है इसलिए पुलिस गश्त लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे पुलिस गश्त इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रात में ही अपराध होता है, वरना क्यों लोग एक्स्ट्रा घूमते। इसमें काउस क्या हो जा रहा है आपका, कि क्राइम होता है इसलिए, ठीक है, देयर फोर क्या होते हैं, जो पुलिस होते हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं कह लीजिए, विजिलेंस करते हैं कह लीजिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से दिया होता है कि ये आपका कारण है, ये आपका उसका इफेक्ट है, प्रभाव है। तो यहाँ पे क्या है, कारण है आपका बी और उसके कारण आपको जो इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है, ए, मतलब आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है, इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट का आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। ओके चलिए अगला आपका आ गया तिलौक का क्वेश्चन, ठीक है, तिलौक का क्वेश्चन आ गया है, ये आपको बनना ही चाहिए, ये आप मुझे 30 सेकेंड्स के अंदर बताइए और इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई भी इसको गलत नहीं बताएंगे, ठीक है,
लॉग को हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ऐसा टॉपिक है अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो आपको थोड़ा सा इसमें डाउट हो सकता है। इससे लास्ट लेक्चर में मैं देखा लास्ट के जो क्वेश्चन थे उनमें किसी को कुछ डाउट था, ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन में किसी को डाउट था, तो उसको हम जब सिलॉग को करेंगे तो मैं चाहूंगा, मतलब मैं ट्राई करूंगा उस टाइप का कोई भी आपको डाउट ना हो, ठीक है। चलिए ठीक है, आपका टाइम सब देखते चलते हैं। मैं यहाँ पे आपको फिर भी थोड़ा सा टास्क को मैं बता दिए रह रहा हूँ कॉन्सेप्ट। हमको इसको यूज करते हुए, स्टेटमेंट को यूज करते हुए वेन डायग्राम बनाना है, और कंक्लूजन को यूज करते हुए अगर मैं इसको यूज किए बिना, ठीक है, अगर इसको सही किए बिना भी अगर मैं वेन डायग्राम बना सकता हूँ, ठीक है, इसको सही किए बिना, कंक्लूजन को सही किए बिना भी मैं वेन डायग्राम बना सकता हूँ, तो वो कंक्लूजन मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इस कंक्लूजन को मैं सही नहीं करते हुए भी मेरा वेन डायग्राम बन रहा है तो वो कंक्लूजन मेरा गलत हो गया। या फिर इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से क्या बोलता हूँ, अगर एक भी पॉसिबल वेन डायग्राम में मेरा कंक्लूजन गलत हो गया है तो कंक्लूजन आपका गलत हो जाता है, ठीक है। बेसिक के लिए इतना समझिए, बाकी हम लोग थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा हमको आइदर और केस के लिए और नाइदर नॉर केस के लिए, ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। सम आर्टिस्ट आर पेंटर, देखिए आपको एक मेरे को बताइए, सम आर्टिस्ट आर पेंटर, मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है, जब हम लोग देखेंगे तब मैं सभी टाइप का डाउट आपका क्लियर करूंगा। इसको हम बताइए, इसको भी तो मैं बोल सकता हूँ ना कि अगर मान लीजिए ये आपका पेंटर है, ठीक है, रुकिए इसको, सर सम आर्टिस्ट आर पेंटर, अच्छा ये बताइए कि अगर ये पूरे आर्टिस्ट हैं इसके भी अगर मैं पेंटर कर दे रहा हूँ, ये भी तो वही चीज हो रहा है ना, सम आर्टिस्ट आर पेंटर, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको डायग्राम को भी बनाते टाइम थोड़ा सा हमको ध्यान देना रहता है, ठीक है, सम आर्टिस्ट आर पेंटर, डायग्राम को हमको बनाते टाइम लिस्ट पॉसिबल केस को हमको करते हुए चलना रहता है, मतलब जितना हम कम से कम इसको टच कर सकें वैसा, ठीक है। ऑल आर्टिस्ट आर पेंटर, अगला सम पेंटर आर राइटर, ठीक है, मैं इसको कहीं भी कर सकता हूँ, इस दोनों से टच करते हुए कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ट्राई होता है कि मैं कम से कम टच करूँ और जितना बोला गया है सिर्फ उतना ही करूँ। सम पेंटर आर राइटर, सम पेंटर्स को मैं बना दिया राइटर, के बाद सम राइटर्स आर पोएट्स, तो मैं सिर्फ इसको राइटर में टच करते हुए बना रहा हूँ क्या, पोएट, ठीक है, इतना तक मेरा स्टेटमेंट था। अब कंक्लूजन, ऑल आर्टिस्ट आर पेंटर, सभी जितने भी आर्टिस्ट हैं वो पेंटर हैं क्या, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, शुरू में ही सम बोला था तो यहाँ जैसे ये ऑल तो नहीं है ना, जब सम बोला है ऑल तो नहीं है, ऑल किए बिना भी मतलब सभी को मैं पेंटर किए बिना भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं वेन डायग्राम बना सक रहा हूँ, तो ये मेरा पहला कंक्लूजन हो गया गलत, ओके। अब अगला क्या, अच्छा यहाँ ऑल राइटर्स आर पोएट लिखा है ना, ये डायग्राम थोड़ा हम गलत बनाए थे, ठीक है, थैंक यू, जो सही किए होंगे, यहाँ पोएट, ऑल राइटर्स आर पोएट, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, सम पेंटर्स आर पोएट, देखिए कुछ पेंटर हैं वो तो राइटर हैं ही, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अगर मैं इमेज में दिखाऊंगा, ठीक है, कुछ पेंटर हैं वो आपके राइटर तो हैं ही, और जब सभी राइटर पोएट हैं तो वो जो राइटर जो पोएट थे वो भी तो आपके, सॉरी पेंटर थे वो भी तो आपके पोएट हो जाएंगे, ठीक है, ये पेंटर वाला है ना, तो सम बोला है तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ पेंटर तो आपके पोएट थे ही, और सॉरी कुछ पेंटर तो आपके लेखक थे ही, और जितने भी लेखक थे वो आपके पोएट हैं, ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ओनली सी ए बी सी डी लिखा हुआ है कि इसको आप वन मान लीजिए, इसको आप टू मान लीजिए, तो ओनली टू फॉलोस, ठीक है, ओनली टू फॉलोस, ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन है, छोटा सा कोडिंग भी कर दिया है, कोडिंग भी किया गया है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एग्जाम को थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जा रहा है ना, बाकी में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आए थे, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए फिर मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा और उसके अंदर आपको सही बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ए एट द रेट बी, मतलब अगर कहीं पे आपको इस तरीके से दिख रहा है ए एट द रेट बी, इसका मतलब क्या है, ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब ए जो है बी की वाइफ है, ठीक है, इसी तरीके से दिया हुआ है, अगर नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी, इसको एक सिंबल की तरह लेना है ना, ए नॉट इक्वल टू बी मतलब ए बी का ब्रदर है, ए ग्रेटर देन बी मतलब ए इज फादर ऑफ बी, ए डॉलर बी मतलब ए इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है।
अब इसको यूज करते हुए मेरे को पूछा है कि इसमें से, ठीक है, इसमें से मतलब ऑप्शन में से बताइए, डी ए का ससुर है, डी फादर इन लॉ ए, कौन से ऑप्शन से आपको पता चल रहा है? ठीक है, इसका हमको ऑप्शन बाय ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमको ऑप्शन बाय ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा है कि बताइए इन ऑप्शन में से कौन सा होगा। अब इसको आप लीजिए 30 सेकेंड और मेरे को बताइए। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस में है 30 सेकेंड के अंदर हो जाएगा, वरना थोड़ा बहुत आपको ये थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, चलिए बाकी मैं इसको हिंट दे दूं कि अगर आप इसको ट्राई कर रहे हैं तो आपके आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला हूँ, ऑप्शन बाई ऑप्शन आपको चेक करते चलना है। ठीक है, आपको बनाते चलना है, आपको कंफर्म बताना है कि डी ए के ससुर है। ठीक है, कौन से में पता चल रहा है? ओके, चलिए आपका टाइम सब। देखिए, पहला वाला को ही चेक कर लेता हूं मैं, ए एट द रेट बी, मतलब ए वाइफ होगी बी की। ठीक है, देखिए हस्बैंड वाइफ को मैं इस तरीके से एरो बना के सिंबलाइज कर लेता हूँ, जो फीमेल है उनको मैं निगेटिव सिंबल दे देता हूँ, जो मेल है इनको मैं पॉजिटिव सिंबल। ठीक है, ये मात्र सिंबल है ना, इसलिए ऑफेंड नहीं होना है। ठीक है, मात्र सिंबल है। ओके, अब आगे, पहला यहाँ तक तो चलिए हो गया। आगे, बी एट द रेट, सॉरी बी नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू मतलब होता है ब्रदर। ठीक है, तो बी ब्रदर है सी का, बी ब्रदर है सी का। ठीक है, सी का मेरे को पता नहीं मेल है फीमेल है जो भी है। आगे, सी डॉलर डी, ठीक है, डॉलर मतलब क्या होता है, डॉटर, मतलब सी जो है ये डॉटर है डी के। ठीक है, सी जो है ये डॉटर है डी के, सी डॉटर है डी के। अब देखिए, अभी तक मैं बोला हूं डी के डॉटर हैं, डी आपको ये नहीं पता चला है कि मेल है कि फीमेल है, तो इतना कोई देख के आपको टिक नहीं लगा देना है, आपको चेक करना पड़ेगा वो मेल है कि फीमेल है। कैसे चेक करेंगे, इसलिए आगे हमको और दिया हुआ है, डी ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन मतलब होता है फादर, मतलब डी फादर है ई के, मतलब इन्हीं में कहीं पे ई होगा। अब देखिए, यहाँ तो पेयर बन गया, कोई ए थी, उनके हस्बैंड थे बी, और बी के फादर है डी। ठीक है, यही चीज तो हमको चाहिए था, आपका ऑप्शन ए में ही यही चीज आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर यहाँ तक आ जा रहा है आंसर, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये आंसर आपको यहाँ तक से में ही आ जा रहा है, ठीक है, डी तक में, तो इसको हमको एक्साइटेड होकर के टिक नहीं लगा देना है, हमको ये भी तो कंफर्म करना है ना कि वो मेल हो रहे हैं कि फीमेल हो रहे हैं। अगर मान लीजिए रिलेशन में हमको कुछ इस तरीके से आ गया होता कि वो फीमेल हो गई है, ठीक है, हालांकि यहाँ इसमें नहीं दिया हुआ है कि किसी में मदर है टाइप से, बट अगर हमको इस तरीके से रिलेशन आ गया होता कि वो फीमेल है, तो वो हमारा आंसर गलत हो जाता। यहाँ हमको कंफर्म भी हो गया कि मेल हैं और इनके हस्बैंड के फादर भी हैं, तो वो पक्का इनके ससुर हो गए। ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अगर ये क्वेश्चन आपके में आया हुआ है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं आया है तो भी अच्छा क्वेश्चन है, लेवल आपका अच्छा है कहना चाह रहा हूँ। ओके, चलिए देखिए, रैंकिंग से तो क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही रहा है, कुछ ही कुछ हैं जिसमें रैंकिंग से नहीं आया है, और जिसमें रैंकिंग से नहीं आया है उसमें मैं आपको बताऊं कि उसमें ऑर्डर से आया है। ठीक है, या तो ऑर्डर या तो रैंकिंग। ऑर्डर से आया है मतलब आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन देखने मिला था ना कि चार फल, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स और समथिंग, और एक टेबल में वन वन एबव ऑल रखा हुआ है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, बताइए सबसे नीचे क्या है, वो आपका ऑर्डर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, पर ये है रैंकिंग का क्वेश्चन। ठीक है, रैंकिंग का क्वेश्चन, इसको मैं आपको 30 सेकेंड दे तो रहा हूँ, बाकी 30 सेकेंड इसके लिए बहुत इनफ है। ठीक है, इसको हम इतना बार कर चुके हैं, और मैं आपको बता दूं जो अगला हमारा भी, जैसे क्यूब खत्म हुआ है ना, क्यूब एंड क्यूबॉइड का टॉपिक खत्म हुआ है, तो अगला टॉपिक हम रैंकिंग पे ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रैंकिंग पे ही स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको बहुत ही डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम बाकी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें एक आपका इन बिटवीन वाला होता है, मैक्सिमम कितने लोग बीच में आ सकते हैं होता है, मैक्सिमम रो में कितने लोग हो सकते हैं ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, या एक इंटरचेंज वाला आता है, मान लीजिए ए की जगह बैठ गया बी, बी की जगह बैठ गया सी, इस तरीके से, अब बताओ कितने हो रहे हैं, इस टाइप से जो क्वेश्चन आता है, तभी को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे जब हम पढ़ेंगे रैंकिंग के क्वेश्चन, क्योंकि हमारा क्यूब के बाद स्टार्ट होने वाला है। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए हम क्या देखे हैं, किसी भी दो अपोजिट साइड से रैंक दिया हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे टॉप से बात हो रहा है ना, तो टॉप का रैंक प्लस बॉटम का रैंक
दोनों को ऐड करते हैं, माइनस वन करते हैं, तो टोटल आ जाता है। यहां मेरे को टोटल दिया हुआ है, क्या बोला है, इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, टोटल कितने हैं, 49 हैं। टॉप से रोहन का रैंक 16th है, ठीक है, ठीक है, 16th है। आगे प्लस बॉटम से रैंक आपको पूछा है, यहाँ माइनस है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इधर 49 में से मैं 16 माइनस कर दूंगा, हो जाएगा 33। ये राइट साइड में माइनस में था, लेफ्ट साइड आएगा, हो जाएगा प्लस। अब ये बच गया क्या, बॉटम से रैंक, मतलब 33 + 1 हो गया आपका 34, ठीक है, 34th क्या है रैंक, 34th क्या है आपका रोहन का रैंक फ्रॉम बॉटम, ठीक है। दोनों साइड से दिया होता मैं ऐड करता, माइनस वन कर देता, इसमें क्या है टोटल दिया हुआ है, तो इसी चीज को, ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट दिया होता क्या लिखता मैं, लेफ्ट से रैंक राइट से रैंक दोनों को ऐड करके माइनस वन, यही चीज आपका टोटल हो जाता, ठीक है। दो अपोजिट साइड से रैंक, लेफ्ट टू राइट हो, टॉप टू बॉटम हो, फ्रंट टू बैक हो, ठीक है, अहेड ऑफ बैक हो, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप मेरे को 30 सेकंड में सॉल्व कीजिए, और एक ही बार में आप मेरे को करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है, 30 सेकंड आर इनफ फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए भी 30 सेकंड में बताइए भी। पढ़ते पढ़ते आपको डायग्राम बनाते चलना है, ई इज सन ऑफ ए, डी इज सन ऑफ बी, ए इज मैरिड टू एफ, ठीक है, जैसा जैसा बताते गया है क्वेश्चन बनाते चलना है, और फिर लास्ट में पूछा है डी ए से किस तरीके से संबंधित है, चलिए ठीक है, ओके। देखिए अगर इसमें आपको हिंदी मीनिंग में दिक्कत हो रहा हो, ठीक है, अंकल मतलब या तो चाचा या तो मामा, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिया होता, पैटर्नल अंकल दिया होता मतलब कंफर्म चाचा, पैटर्नल अंकल मैटर्नल अंकल दिया होता मतलब मामा, अगर यहाँ पे सिर्फ अंकल लिखा है मतलब ये या तो चाचा भी हो सकते हैं या तो मामा भी हो सकते हैं, ठीक है, बाकी तो आपको पता होगा, सन मतलब बेटा, ठीक है, ब्रदर इन लॉ मतलब साला, फादर इन लॉ मतलब ससुर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, ई इज सन ऑफ डी, सॉरी ई इज सन ऑफ ए, ई क्या है, ठीक है, यानी से ई इज सन ऑफ ए, ठीक है, ए मेल है फीमेल है पता नहीं, डी इज सन ऑफ बी, ठीक है, ये कौन से रिलेशन में है, यहां तक मेरे को पता नहीं है तो मैं अलग से लिख लेता हूँ, डी इज सन ऑफ बी, ठीक है, डी इज सन ऑफ बी, ठीक है। आगे ए इज मैरिड टू एफ, ठीक है, ए इज मैरिड टू एफ, ए को हम मैरिड कर दिए एफ से, अभी पता नहीं मेल कौन है फीमेल कौन है, हु इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है, हु इज डॉटर ऑफ बी मतलब हु किसके लिए कहा जाता है, जो उसके जस्ट पहले है, मतलब एफ, एफ क्या है बी की डॉटर है, एफ हो गई फीमेल, ए हो गया मेरा मेल, और एफ को मेरे को डॉटर करना है बी की, और बी से ही मेरे को यहाँ पे एक रिलेशन और दिख रहा था कि बी के बेटे हैं डी, तो इसी में मैं कहीं पे डी को भी इनका बेटा कर दिया हूँ, ठीक है, ठीक है, इसको मैं बेटा कर दिया हूँ। अगेन हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है, डी किस तरीके से रिलेटेड है ए, तो आप देखेंगे ए की वाइफ का भाई है, ठीक है, वाइफ का भाई है मतलब आपके क्या हो गई है ब्रदर इन लॉ, ओके। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, देखिए डाइस से आपका क्वेश्चन अब आ ही रहा है, डाइस को हम बहुत डिटेल में पढ़े हैं, इसको मैं सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं तो ये 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है, एक ही चीज देखना है कितने केस कॉमन है, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा, और सेम क्वेश्चन हम एनालिसिस में फिर से देखे भी हुए हैं, ठीक है। चलिए बताइए तो मेरे को इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़िए किसके अपोजिट पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में टू के अपोजिट पूछा है, दो ही डाइस दिए हैं बहुत ही दी है, तीन डाइस दिया होता और ही दी हो जाता, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, इसमें से 1 4 3 2 3 5 कितने डाइस आप, कितने फेस आपके कॉमन है, ठीक है, इसमें कितने फेस कॉमन है, केवल और केवल 3, मतलब वन फेस कॉमन वाला केस है, वन फेस कॉमन केस कहता था क्या करते थे, कॉमन फेस से हम रोटेट करते थे, ठीक है, थ्री से रोटेट किया मतलब कैसा, थ्री से क्लॉक वाइज आया वन, वन से क्लॉक वाइज गया फोर, थ्री के बाद आया वन, वन के बाद गया फोर, सिमिलरली सेकेंड वाले में थ्री से आया फाइव, ठीक है, थ्री से आया फाइव और फाइव के बाद आया टू, ठीक है, फाइव के बाद आया टू,
आमने सामने वाले एक दूसरे के अपोजिट होते थे, ठीक है, मतलब यहाँ 4 के अपोजिट हो गया 2, 1 के अपोजिट हो गया 5, 3 के अपोजिट जो बच जाता वो हो जाता, ठीक है। तो इसमें से हमको क्या 2 के अपोजिट पूछा है, 2 के अपोजिट आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को जब आप लोग प्रैक्टिस में रखेंगे इसको आप और इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं आपको एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना रहता है, आप चाहे दोनों को एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं, इसको मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे को दिख रहा है 3 से मैं एक बार एंटी क्लॉकवाइज आया, आ गया 2, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, 3 से एक बार एंटी क्लॉकवाइज आया, आ गया 2, अगले में 3 से एक बार एंटी क्लॉकवाइज आया, आ गया 4, 3 से आ गया 4, 2 के अपोजिट है आपका 4, ठीक है। यही सा क्वेश्चन था, इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। पूरा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, बाकी जब हम अनअकैडमी में स्पेशल क्लास लेंगे वहां पे इसका हम क्विज भी सॉल्व करेंगे। अनअकैडमी में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अगला देखिए, इसको बताइए तो 30 सेकेंड्स के अंदर, इसको पढ़िए, डायग्राम बनाइए और 30 सेकेंड्स के अंदर बताइए, ठीक है, 30 सेकेंड का टाइम आपका स्टार्ट। तीनों चीज आपको पढ़ना भी है, डायग्राम भी बनाना है और बताना भी है, ठीक है। सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, सम फ्रूट्स आर क्रीम, फिर नो फ्रूट्स आर मिल्क, ठीक है, कोई भी फ्रूट मिल्क नहीं है, बताइए। तो दोनों में से कौन सा कंफ्यूजन हो सकता है, कि दोनों हो सकता है कि दोनों नहीं है, ठीक है। 7 सेकेंड, 6, बताइए जल्दी। चलिए ठीक है, देखते हैं आप लोग अपना कमेंट को चेक कीजिए कि आपका सही है कि नहीं है। सम फ्रूट्स आर एप्पल, ठीक है, सम फ्रूट्स आर एप्पल, ठीक है, कुछ फ्रूट्स को मैं कर लिया एप्पल। अब नो, सम फ्रूट्स आर क्रीम, ठीक है, सम फ्रूट्स आर क्रीम, सम फ्रूट्स को मैं क्रीम कर लिया, ओके। अब नो फ्रूट्स आर मिल्क, मतलब ये जो फ्रूट्स हैं ये मिल्क नहीं हो सकते, ठीक है, बाकी दोनों में से किसी में अटैच कर सकता है मिल्क। अब क्या बोला है, सम एप्पल्स आर मिल्क, तो देखिए हमारा जो वेन डायग्राम है वो इसको यूज किए बिना, इस कंक्लूजन को यूज किए बिना, मतलब अगर मैं इसको सेटिस्फाई ना भी करूं तो भी मेरा ये स्टेटमेंट के हिसाब से वेन डायग्राम सही है, मतलब मेरा ये कंक्लूजन तो हो गया गलत, ठीक है। आगे सम क्रीम आर नॉट मिल्क, ठीक है, कुछ क्रीम मिल्क नहीं है, तो इसको तो मैं इसको गलत करते हुए भी वेन डायग्राम बना सकता हूं ना, ठीक है, सम क्रीम आर नॉट मिल्क, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है सम क्रीम मतलब कुछ तो क्रीम है जो मिल्क नहीं होंगे, तो बताइए सही है कि गलत है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, कुछ क्रीम जो है वो आपके फ्रूट तो हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ क्रीम जो है जो आपके फ्रूट तो हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा था, और कोई भी फ्रूट मिल्क नहीं है, मतलब कुछ तो आपके पार्ट ऑफ क्रीम ऐसा होगा जो फ्रूट्स हैं और ये फ्रूट्स हैं इसीलिए ये मिल्क नहीं होंगे, ठीक है, मतलब क्या है, सम क्रीम आर नॉट मिल्क, ये आपका हो जाएगा सही, ठीक है, क्योंकि ये सम का है, कुछ क्रीम होंगे ही होंगे फ्रूट और वो मिल्क में नहीं ही नहीं आ सकते, हम बता दिए कंफर्म। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो गया आपका, ओनली 2, ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ तक के बाद अब हम खत्म करते हैं, आपको कुछ भी और क्वेश्चन मिलता है, कुछ भी और आपको डाउट मिलता है, कुछ भी आपका सजेशन भी अगर होता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी और आपका सजेशन हो, आइडिया हो, आप कमेंट में बताइएगा, और मैं आपको जो लास्ट में आऊंगे अनअकैडमी के बारे में एक बार और बता दूं, बहुत सारी चीजें इसमें फ्री भी हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा चाह रहे हैं आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपके सारे फेवरेट फैकल्टीज का आप लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं, अपने गोल के अकॉर्डिंग क्रैश कोर्स, ठीक है, गोल जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गेट हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, ठीक है, एसएससी में तो अभी दो एग्जाम होने वाला है ना, सीजीएल और सीएचएसएल दोनों, ठीक है, दोनों का आपको प्रिपेयर करना है, अपने गोल के अकॉर्डिंग क्रैश कोर्स कर सकते हैं, इसमें आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट के बाद आप एनालाइज भी कर सकते हैं, आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिलेगा और साथ ही साथ अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये तो सारी बातें हो गई प्लस की, देखिए हम वेन डायग्राम बहुत पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, प्लस के पूरे फैसिलिटीज को इंक्लूड करते हुए जब आप थोड़ा और पर्सनलाइज वे में जाते हैं आप ले सकते हैं क्या, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का क्या बेनिफिट है, प्लस के जितने बेनिफिट्स हैं वो तो आपके हैं ही, उसके अलावा साथ ही साथ आपको मिलेंगे पर्सनल कोच, साथ ही साथ स्टडी प्लानर और स्टडी बूस्टर सेशंस भी, पर्सनलाइज आपके टेस्ट का एनालिसिस भी किया जाएगा, साथ ही साथ आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे,
और आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी मिलते ही जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल से, तो ये है जैसे आप पैकेज लेते हैं गेट ईएससी का, तो यहाँ इमेज में आपको दिख रहे हैं कुछ आपके फेवरेट, कुछ आपके फेवरेट फेमस फैकल्टीज, ठीक है, जो खुद में क्वालिफाइड हैं, ठीक है, जो खुद में क्वालिफाइड भी हैं और जो वेल एक्सपीरियंस भी हैं, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करवाने में, ठीक है, क्या हो गया इसको, ओके, ठीक है, तो इनका जो भी स्ट्रेटजी है, ठीक है, इनका जो भी मटेरियल है, जो भी आप सब शेयर करेंगे, इनको आप फॉलो करेंगे, आपका रैंक एकदम बूस्ट हो जाएगा, ठीक है, रैंक बूस्ट होने का चांस एकदम बढ़ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग का, तो जैसे गेट के लिए ही हम देखते चल रहे हैं ना, गेट के लिए ही, ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल गेट, अगर आप किसी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इसको 6 मंथ का ले सकते हैं, 12 मंथ का ले सकते हैं, 18 मंथ का ले सकते हैं, 24 मंथ का ले सकते हैं। आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम का लीजिए, ज़्यादा टाइम तक प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, टाइम ज़्यादा है मतलब ऐसा नहीं कि आप है और आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में एग्जाम देना है, आपके पास 2 ईयर टाइम है, तो 24 मंथ का लीजिए, साथ ही साथ पढ़ते चलिए, और आपका इसमें पर मंथ का कॉस्ट भी कम हो जाता है। और ये और कम हो जाता है जब हम कोड यूज करते हैं क्या, SSAO10, ठीक है, किसी भी कोर्स को, किसी भी गोल को लेने के लिए आप सब्सक्रिप्शन के टाइम ये कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपका प्राइस में और जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यही चीज आप कर सकते हैं आइकॉनिक के लिए भी, ठीक है, आइकॉनिक में भी अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग प्राइसिंग प्लान हैं। आप जैसे जैसे आपका टाइमिंग बढ़ाते हैं, आपका पर मंथ का कॉस्ट कम होता जाता है। उसको और कम करने के लिए हमको यूज करना है कोड कौन सा, SSAO10, ठीक है, कहीं भी आपको फ्री कोर्स भी अनलॉक करने के लिए कोड पूछा जाए, आपको कोड यूज करना है SSAO10, ठीक है। यहां तक हो गया बात प्राइसिंग का, और आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पे अब हमारा स्पेशल क्लास होगा ना, स्पेशल क्लास वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है, और साथ ही साथ वहां पे हम क्विजेस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तो जैसे आप कर रहे हैं तो आपको विद इन द टाइम नहीं पता चल रहा है कि कितना आप टाइम में सॉल्व किए हैं, वहां आपको टाइमिंग भी पता चलेगा, आपका आपका लीडर बोर्ड मतलब हर क्वेश्चन में आप ये पता कर सकते हैं कि कितने नंबर पे आपका है, मतलब कितने लोग आपसे फास्ट दिए हैं, कितने लोग आपसे स्लो दिए हैं। और जब टाइम लिमिट होता है तो क्या होता है, हमारा स्पीड भी बढ़ता है, और उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए हमको एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। तो इसमें हम स्पेशल क्लास करेंगे, क्विज करेंगे, तो इसको आप मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा, और इसका लिंक ये आपको जो नीचे दिख रहा है, यही लिंक आपको, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको बस क्लिक करना है, ओके, वहां से आपको खुल जाएगा, या फिर आप बाई नेम भी सर्च कर सकते हैं, SHAILENDRA SAW, ठीक है, शैलेंद्र साव। इसके साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ेंगे और अभी जितना पढ़ रहे थे, सबका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। साथ ही साथ कुछ स्टडी मटेरियल्स भी शेयर करना होगा तो हम वहीं से शेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको तो आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और अगर मैं बात करूँ यूट्यूब चैनल्स के, ठीक है, तो ये कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो इंजीनियर्स के लिए डेडिकेटेड हैं, जैसे गेट ME हो गया, गेट कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है, ये इंजीनियरिंग के सभी आपके फील्ड के एग्जाम में काम आएंगे, और इसमें कुछ ऐसे हैं जो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है, ठीक है, जैसे ये तो आपको एक स्पेसिफिक ब्रांच का दिख गया, FT एक्सप्रेस हो गया जैसे हमारा, सभी ब्रांच के लिए भी कॉमन है, और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये सब्जेक्ट आपका रहता ही है, ठीक है, क्या क्या इसमें हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हम पढ़े हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है, इसके अलावा भी इसमें और भी ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट टॉपिक्स सब्जेक्ट आते जाएंगे जो आपके सभी एग्जाम में काम आएगा, तो इसको आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर अगले एनालिसिस के साथ, ठीक है, आप मेरे सपोर्ट करते चलिएगा अनअकैडमी में, और यहाँ भी आपको सब्सक्राइब करते चलना है, ठीक है, ओके, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।